हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखते हैं हाफ डबल क्रोशिया बनाना। हमने पहले चेन सीखा, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर और आज हम सीखेंगे हाफ डबल क्रोशिया। अगर आपको चेन, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया देखना सीखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं हाफ डबल क्रोशिया। पहले हम नोड लगा लेंगे, पहले हमको चेन बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप जितनी चाहे चेन बना सकते हैं। हाफ डबल क्रोशिया करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाफ डबल क्रोशिया भी डबल क्रोशिया जैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा सिंपल है। हमने पहले धागा ट्विस्ट किया, क्रोशिया को ट्विस्ट किया और धागे को हमने क्रोशिया में लिया। फिर हमने क्या किया, चेन में इंसर्ट किया क्रोशिया, धागा लिया। ऐसे ही हम डबल क्रोशिया में करते हैं, लेकिन डबल क्रोशिया में हम धागा लेके इन दो को एक करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ से 1, 2, 3, ये 3 है ना फंदे, हम इन तीनों को एक बनाएंगे एक बार में। हमने क्रोशिया घुमाया, धागा लिया और एक साथ इन तीनों में से निकाल दिया। इसको कहते हैं हम हाफ डबल क्रोशिया। दोबारा से देखते हैं, क्रोशिया घुमाया, धागा लिया, चेन के अंदर क्रोशिया डाला, फिर धागा लिया, ये 3 बन जाते हैं। डबल क्रोशी में भी ऐसे बनते हैं। डबल क्रोशी में हम धागा लेके इन फर्स्ट दो को निकालते हैं ऐसे, लेकिन इसमें नहीं ऐसे करना। इसमें हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट तीनों में से निकाल लेना ऐसे। ये हमारा होता है हाफ डबल क्रोशिया। धागा घुमाया, इंसर्ट किया, धागे से लिया, फिर हमने धागा लेके इन तीनों में एक साथ निकाल दिया। देखिए ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। धागा घुमाया, क्रोशिया डाला, धागा लिया और फिर हमने धागा लिया और हमने क्या किया, एक साथ निकाला। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। फिर से देखते हैं, धागा लिया, क्रोशिया चेन के अंदर डाला, निकाला, धागा लिया और ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। फिर से करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। धागा लिया, चेन के अंदर डाला, फंदा निकाला, फिर धागा लिया और एक साथ इन तीनों में से निकाला। धागा लिया, चेन के अंदर डाला, धागा घुमाया और फिर हमने किया, धागा लिया, चेन के अंदर डाला, निकाला और एक साथ किया। सी, आपको एक ध्यान और रखना है, आपको ये धागा टाइट ही रखना है, वरना अगर आप इसको लूज रखेंगे यहाँ से तो आपके जो डबल हाफ डबल क्रोशिया हैं ये लूज बनेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, और एक साथ तीनों में से निकाला। फिर दोबारा से करते हैं, धागा लिया, डाला, धागा लिया, ऊपर आए, घुमाया और तीनों में से निकाला, धागा लिया, घुमाया, निकाला और ऐसे किया, धागा लिया, घुमाया और लिया,
धागा लिया, चेन के अंदर डाला, घुमाया और ये देखिए आप अपने आप जो कुछ बनाए, अपने जैकेट बनाए, स्वेटर बनाए, जर्सी बनाए, जो भी बनाए आप उसके अकॉर्डिंग अपने फंदे डाल सकते हैं और फिर आप ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए मेरी एक रो कंप्लीट हो गई है। अगर हमने सेकंड रो बनानी है हमें क्या करना है, एक चेन लेनी है, चेन बनाई और घुमाया इसको और फिर ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदर क्रोशिया घुमाना है, सॉरी धागा लेना है क्रोशे को अंदर डालना है और फिर क्रोशे घुमा के धागा लेना है और फिर ये थ्री बन जाते हैं, 1 2 3, इन तीनों में से एक साथ निकाल देना है सी। फिर दोबारा देखिए धागा लिया, अंदर क्रोशे डाला, क्रोशे निकाला, धागे से थ्री को वन कर दिया, धागा लिया, तीन बनाए, थ्री से टू बने, सॉरी वन बना, धागा लिया, क्रोशे अंदर डाला, धागा लिया और एक साथ इन तीनों में से एक साथ निकाल दिया। देखिए धागा लिया, क्रोशे में डाला और एक साथ निकाला, धागा लिया, फंदे में डाला, ऐसे किया, धागा लेके एक साथ निकाला, धागा लिया, क्रोशे इंसर्ट किया, धागा अंदर से निकाला और एक साथ लिया और देखिए ये देखो दोबारा से। ऐसे ही आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, आप अपना स्वेटर जर्सी में कोई भी पैटर्न आप बना सकते हैं, आप सिंगल क्रोशिए से, डबल क्रोशिए से, हाफ डबल क्रोशिए से आप कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं और एक सुंदर सा स्वेटर या जैकेट आप बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चलो इस लाइन को कंप्लीट कर देते हैं, रो को एक साथ निकाल दिया, धागा लिया, आप प्रैक्टिस करिए और जब हाथ सेट हो जाता है तो ये फटाफट बनते रहते हैं। ये देखिए, और जब भी आपकी रो कंप्लीट हो जाए तो मेक श्योर आप एक चेन बनाएं, चेन से ये बंद हो गई। ये देखिए कितना सुंदर प्रिटी लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।